यस क्लास 11th हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की कुछ स्ट्रक्चर हमने देखी थी, ठीक, कि क्रिविजन कर लेते हैं इस न्यूक्लियस का। देखो न्यूक्लियस सेल के, न्यूक्लियस की बात करें तो इधर बना लेते हैं। ये सेल है, इसके सेंटर पार्ट में क्या प्रेजेंट हो गया बेटा? न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। हम देखा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है इस, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर, ये दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पेस इसे कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू रहती है, ये हमने देख लिया था। इस पर कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल न्यूक्लियस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ ली थी, ठीक है। आज जो हमें इसके बारे में पढ़ना है वो है बेटा क्रोमोसोम। क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल किसका बना होता है? ये डीएनए है, स्टोन प्रोटीन है, नॉन स्टोन प्रोटीन है, इन सबसे क्या मिलकर बना होता है बेटा? क्रोमेटिन मटेरियल बना होता है। तो देख लेते हैं इसको क्या होता है क्रोमेटिन मटेरियल। देखो हम इसकी बात कर रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल की, किसकी? क्रोमेटिन की, ठीक है। तो क्रोमेटिन क्या होगा? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर। ये क्या है बेटा? नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, ठीक, कॉल्ड क्रोमेटिन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमेटिन। मतलब ये नेटवर्क है न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है। मतलब इसमें क्या है? डीएनए है, आरएनए है और प्रोटीन है, स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन। इसलिए इसको क्या बोल दिया बेटा? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोल दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन कैसे फाइबर प्रेजेंट है? क्या प्रेजेंट है? फाइबर। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? जो न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमेटिन, ठीक। हमने देख लिया कि क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन में क्या प्रेजेंट होता है बेटा? डीएनए, ठीक है, हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन। ये नेचर में कैसी होती है बेटा? याद रखना, बेसिक। कैसी होती है? बेसिक, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अलावा इसके अंदर प्रेजेंट होगा अपने नॉन स्टोन प्रोटीन और आरएनए। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? नॉन स्टोन प्रोटीन एंड और क्या प्रेजेंट होगा? आरएनए। अगर हम बात करें, एक सिंगल ह्यूमन सेल है अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए, ठीक है। अगर एक सिंगल ह्यूमन सेल ले, अगर क्या ले? ए सिंगल ह्यूमन सेल कितना रखता है बेटा? 2 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। दो मीटर लॉन्ग थ्रेड होता है डीएनए का, होता है। अब देखो ये डीएनए होता है जो कितने पेयर में होता है? 46 पेयर में होगा, ठीक है। देखो सिंगल अगर ह्यूमन सेल्स की बात करें तो उसका जो डीएनए थ्रेड है ये कितना मीटर लंबा है बेटा? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड है। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स में ये सेट होता है? 46 क्रोमोसोम में। तो ह्यूमंस के अंदर हम बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बेटा? फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब ये ऐसे 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, अगर हम बात करें तो इस तरीके से। और इनके पेयर करें तो कितने पेयर होते हैं टोटल ह्यूमन सेल्स के अंदर? 23 पेयर। कितने पेयर होते हैं बेटा?
23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये सारा जो देखो ऐसा तो है, सेल तो खुद ही बैठे इतनी है, तो 2 मीटर लंबा डीएनए इसके अंदर कैसे सेट होगा? इसका मतलब वो हाईली कोइल्ड होता है। डीएनए क्या होता है? हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फिर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे कितने ह्यूमन सेल्स के अंदर पर सेल्स की हम बात करें तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, और पेयर पूछ ले आपको कितने पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हम क्या बताएंगे बेटा? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये आ गए, इसके बाद हम बात करें। ठीक है, देखो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, किसके क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो प्रत्येक जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। जैसे ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, यहाँ पर एक ये बहुत ज़्यादा कोइल्ड हो जाता है, राउंडेड कोइल्ड हो जाता है पार्ट। ठीक है, डीएनए का ही पार्ट, अगर हाईली कोइल्ड पार्ट है ये डीएनए का, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक जगह बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो गया है डीएनए। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलो इसको, या इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। देखो ये वाला पार्ट, अब ये डीएनए ही है, क्या है ये? डीएनए, ये कोइल्ड डीएनए है। यहाँ पर डीएनए हाईली कोइल्ड हो गया है, इस पार्ट को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर बोलते हैं। यहाँ पर ही एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? डिस्क शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं? काइनेटोकोर्स। ठीक है, तो याद रखना प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के पास एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि देखो जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम्स अलग अलग सेल्स में जाएंगे, तो यहाँ से ये स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। इससे क्या अटैच होते हैं बेटा? सेल डिवीजन के दौरान याद रखना कि स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं, और फिर स्पेंडल फाइबर से अटैच होने से ये क्रोमोसोम सेपरेट होकर अलग अलग सेल के अंदर जाते हैं। तो याद रखना कि अभी इतना याद रखो कि यहाँ से सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर अटैच होते हैं, इससे काइनेटोकोर से। मुझे यहाँ पर जो हाईली कोइल्ड पार्ट हो गया उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर बोला जाता है। अब देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स को, इस सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स को 4 भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में? 4 टाइप्स के। सेंट्रोमियर समझ में आ गया ना बेटा? सेंटर में हो गया एक हाईली कोइल्ड डीएनए पार्ट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। अब देखो बेस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, किसके आधार पर बेटा? बेस्ट ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। देखो सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर की, जैसे ये है, ये हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, सेंट्रोमियर इसके सेंटर में भी हो, टिप पार्ट में भी हो सकता है। तो सेंट्रोमियर की क्या पोजीशन है क्रोमोसोम्स के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्रोमोसोम्स को कितने भागों में बांट रखा है बेटा? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखो एक है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। कौन कौन से हैं? मेटासेंट्रिक, ये देखो एक है हमारे मेटासेंट्रिक,
क्रोमोसोम्स, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। दूसरा कौन सा है बेटा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, तीसरा कौन सा है? एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ है हमारे टीलोसेंट्रिक। कौन सा है बेटा? याद रखना, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ठीक है, सेंट्रोमियर क्या होगा बेटा? याद रखना सेंट्रोमियर होगा, इसमें इनकी पोजीशन याद करनी है। किसकी? सेंट्रोमियर की। बस सेंट्रोमियर क्या होगा? मिडल में। ठीक है, सब मेटासेंट्री में क्या होगा बेटा? नियर टू क्रोमोसोम्स की जो सेंट्रोमियर की पोजीशन होगी वो क्या होगी बेटा? नियर टू वन एंड क्या होगा? नियरर टू वन एंड, एक एंड के पास में ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा? सेंट्रोमियर होगा जो प्रेजेंट का होगा बेटा इस सिचुएटेड क्लोज टू टिप्स। कहां पर हो जाएगा बेटा? क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट। ठीक है, सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज इट्स क्लोज टू इट्स एंड। ठीक है, इसके एकदम एंड के पास हो जाएगा, नियर टू एंड, एकदम एंड के पास हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल पार्ट पर हो जाएगा। कौन सा, कहाँ पर हो जाएगा बेटा? टर्मिनल पार्ट पर। अब इसका मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि टर्मिनल पार्ट कहाँ पर है। ये देखो, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अगर, तो सेंट्रोमियर कहाँ होगा? मिडिल पार्ट में। कहाँ होगा? मिडिल पार्ट में। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, देख लो, तो बिल्कुल मिडिल पार्ट में है सेंट्रोमियर। ठीक है, नियर टू वन एंड, अगर एक एंड के पास में आ जाए, जैसे ये सेंट्रोमियर है, ठीक, और ये दूसरा छोटा वाला हो गया, देखो यहाँ पर तो वन एंड के पास में आ गया ये, तो कौन सा हो जाएगा बेटा? मेटासेंट्रिक। सेंट्रिक में तो हो गया बेटा बिल्कुल सेंटर में। एक में क्या होगा? थोड़ी सी एक आर्म, ये एक आर्म, ये तो एक आर्म के थोड़ा ऊपर होगा, बिल्कुल बीच में नहीं होगा, उसको क्या बोल देंगे? मेटासेंट्रिक। ठीक है, तीसरा कौन सा आ रहा है अपने? एक्रोसेंट्रिक। कौन सा? एक्रोसेंट्रिक। तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा देखो, थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये एक टिप, एक ये एक आर्म, ठीक है, ये बिल्कुल टिप पार्ट पर चला गया है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल टिप पार्ट पर आ जाएगा, इसको क्या बोल देंगे बेटा? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोल देंगे? एक बिल्कुल छोटी सी होगी, ठीक, ऐसे। तो ये होता है हमारे बेस्ड ऑन क्रोमोसोम्स की पोजिशन के आधार पर कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं है क्रोमोसोम। समझ में आया बेटा? तो हम बात करें, देखो हमने न्यूक्लियस की बात कर ली, सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसके क्रोमोसोम्स की हमने बात कर ली, जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, ठीक है, वो हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा? क्या बोल देते हैं इसको? ये टीलोसेंट्रिक आप इसे देख के लो कि बिल्कुल टिप पार्ट में आ जाएगा। क्या कहाँ पर जन्म आ जाएगा? इसका एक बार डायग्राम देखो, वापस बनाता हूँ। देखो जैसे ये क्रोमोसोम है हमारे, ये क्रोमोसोम है, पूरा समझ लो, ये बीच में आ गया। अगर बीच में आता है तो क्या होता है बेटा? मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये है
थोड़ा और ऊपर आ गया एक भुजा के ऊपर, तो समेटासेंट्रिक बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट रहेगा, एक पार्ट तो बहुत लंबा, एक पार्ट बिल्कुल छोटा, तो ये पर कौन सा हो जाएगा बेटा? एक्रोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पार्ट पर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? टिलोसेंट्रिक। समझ में आ गया यहाँ तक? बिल्कुल सिंपल पार्ट था, ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो हमने देखो न्यूक्लियस पढ़ लिया, न्यूक्लियस के अंदर हमने क्रोमोसोम्स पढ़ लिए, क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर क्या होता है वो पढ़ लिया, ठीक है, काइनेटोकोर क्या होते हैं, और क्रोमोसोम्स पर सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? चार याद रखना है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। टिलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पा जाता है, इसमें टिप से थोड़ा सा नीचे, इसमें मिडल से थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर बिल्कुल मिडल में, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सर, कोई समस्या है ही नहीं। आगे देखते हैं हम, देखो सैटेलाइट क्या होता है, देखो देख कुछ कुछ हम अगर हम कुछ सम टाइम कुछ क्रोमोसोम्स की बात करें, फ्यू क्रोमोसोम्स क्या कहते हैं बेटा? फ्यू क्रोमोसोम्स। इनमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा, कभी कभी इनमें क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉन स्टैंडिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बन जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं बेटा? और उसके एक स्मॉल फ्रेगमेंट दिखाई देगा, कैसे दिखाई देगा? ठीक, फ्यू क्रोमोसोम्स में क्या बनता है बेटा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन याद रखना, क्या बन जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ क्रोमोसोम्स में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाते हैं जो स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में दिखाई देते हैं, कैसे दिखाई देंगे बेटा? Appearances of small fragment, कैसे दिखाई देते हैं? स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट। उसको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट, याद रखना। देखो डायग्राम में जैसे हम बात करें, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर, जैसे अगर हमने कह दिया कि ये क्रोमोसोम्स है, कभी कभी एक और कंस्ट्रक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एक और कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। देखो ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन हो गया, ये जो एक और कंस्ट्रक्शन बना है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको क्या बोला जाता है बेटा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोला जाता है। और ये ऊपर वाला जो डीएनए होता है उसको बोलते हैं हम सैटेलाइट डीएनए। क्या बोला जाता है उसको? सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ गया? तो कभी कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी बन जाता है जो एक स्मॉल फ्रेगमेंट के रूप में दिखाई देता है। इस स्मॉल फ्रेगमेंट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। आ गया समझ में? सैटेलाइट डीएनए क्या होता है? तो कभी कभी क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाता है, उसमें एक स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है, वो स्मॉल फ्रेगमेंट लाइक अपीयरेंस क्या कहलाता है बेटा? सेकेंडरी डीएनए कहलाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, देखो माइक्रोबॉडीज क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज क्या होता है? ठीक है, बहुत सारी मेम्ब्रेन सेल की हम बात करें तो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, इसको क्या बोला जाता है बेटा? माइक्रोबॉडीज। क्या बोला जाता है? तो मेम्ब्रेन बाउंड जो वेसिकल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोबॉडीज बोला जाता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंजाइम्स।
ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।